हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एवं सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो क्या कुछ घटा कल के दिन में और क्या कुछ उसमें से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला सवाल है, वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, इनमें से किस तारीख को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आंसर हमारा इसका हो जाएगा वर्ल्ड अक्टूबर 12 को वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे मनाया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को कौन सा दिन है। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे, यानी कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये है हमारा, यानी कि आज जो 13 अक्टूबर है, आज के दिन हमारा वर्ल्ड कैलामिटी डे है और यूनाइटेड नेशंस यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे भी है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अथॉराइटिस डे और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हमने मनाया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे @AmanTrivedi तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे अमन त्रिवेदी तो आपको इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा डे से रिलेटेड हमेशा रहता है और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान है, यानी कि किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होने वाला है। तो ऑप्शन हैं आपके पास, भारत, ब्राजील, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। तो आंसर इस जवाब का सवाल का हो जाएगा हमारा भारत। भारत में महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान है, यानी कि 2022 में इंडिया होस्ट करने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा का अंडर 17 का। ठीक है, ब्राजील नहीं है, फ्रांस और बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, हमने बात करी ब्राजील की, तो ब्राजील के इस समय राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो और राजधानी है ब्राजीलिया। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और राजधानी है पेरिस। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राजधानी है ढाका। और ये जो हम पिक्चर साग में देख रहे थे, ये क्या थी, ये वहाँ का जो आज ही हमारा 12 अक्टूबर को इसका ऑफिशियल मैस्कट अनाउंस हुआ है। तो फीफा ने ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर, जो एक तरीके से लोगो टाइप का होता है, जो शुभंकर एक आपने देखा होगा ओलंपिक्स में भी होता है, इस तरीके से शुभंकर का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है इभा। और ये एक तरीके से एशियाई शेरनी है, यानी कि आप अगर इसको देखोगे भी तो आपको शेरनी जैसी लग रही है। तो ये एक एशियाई शेरनी है और उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ये। यह टूर्नामेंट अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच भारत में होने वाला है। ठीक है, ये घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ में हुई है। ठीक है, और फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आपका ये फीफा जिसे हम कहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह ही कराती है। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा है जियानी इन्फेंटिनो और ये 21 मई 1904 को फाउंड की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ज्ञानी इन्फेंटिनो यहाँ की फीफा की अध्यक्ष हैं। फुटबॉल संघ का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये आपका फुटबॉल फीफा का फुल फॉर्म है। अगला सवाल इनमें से हमारा, इनमें से किस कंपनी ने जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, यानी कि जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन अब कौन सी कंपनी करने वाली है। ऑप्शंस हैं आपके अडानी, रिलायंस, टाटा या फिर आदित्य बिड़ला। तो आंसर इस सवाल का है अडानी। अडानी एयरपोर्ट्स ही चल रहा है, अडानी ने ही काफी सारे एयरपोर्ट्स टेक ओवर किए हैं एक तरीके से। तो अडानी एयरपोर्ट को टाटा, जो जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे लीज पे दे दिया गया है। ये बेचा नहीं जाता है, लीज पे दे दिया जाता है। ठीक है, गौतम अडानी का नेतृत्व करने वाले अडानी समूह ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। हवाई अड्डे को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दिया गया, यानी कि लीज पे दिया जाता है, एक तरीके से किराए पे। पिछले 2 महीनों में अडानी समूह ने आधिकारिक हवाई अड्डे पर परिचालन की निगरानी कर रहे हैं और हवाई अड्डा के जो निदेशक हैं JS बल्हारा के अधिकारियों के द्वारा ये चीज हुई है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे हु इज द एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे इस समय, एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो बात करी हमने जयपुर की, तो जरा देख लेते हैं राजस्थान जो है, ये हमारा राज्य है राजस्थान मैप में, राजधानी है जयपुर, वहां के सीएम है इस समय श्री अशोक गहलोत और गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। ये एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं और जनसंख्या के अनुसार सातवां,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज वर्तमान में बंदरगाह जहाजरानी और जल मंत्री कौन है? तो ऑप्शंस हैं आपके श्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री अर्जुन मुंडा या फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री हैं। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ ये इकोनॉमिक हमारे अर्थव्यवस्था की मंत्री भी हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जो हैं ये आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये ट्राइबल अफेयर्स और ये आपके वित्त मंत्री और साथ ही साथ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। ये आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट, श्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई पोर्ट ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशन। तो केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इसे पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐप को उन पोर्ट यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जो विभिन्न पोर्ट सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इसमें बंदरगाह के बारे में सभी तथ्य डिजिटल रूप में शामिल हैं। तो इसको कोलकाता में लॉन्च किया है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च किया है? देश के मेंटोर प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर इस सवाल का है हमारा दिल्ली। दिल्ली ने देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च किया है और आपका ये कल ही ये संडे को लॉन्च हुआ है आपका देश के मेंटोर प्रोग्राम। तो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। देश के संरक्षक कार्यक्रम में 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता है जिसमें होगी, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री सोनू सूद जी। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की है जो कि है आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहां के श्री अनिल बैजल। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वहां के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। अगला सवाल है, हाल ही में नेदुमुडी वेनु जी का निधन हो गया है, वह इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है एक्टिंग, राइटिंग, स्पोर्ट्स या फिर पॉलिटिक्स। तो नेदुमुडी वेनु ये आपके एक्टिंग से संबंधित हैं, ये एक्टर थे और इनका निधन हो गया है आपका। और नेदुमुडी वेनु जो हैं ये नेशनल अवार्ड विनिंग नेदुमुडी वेनु राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदुमुडी वेनु का निधन हो गया। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे, ठीक है। तो नेदुमुडी वेनु ने कवलम नारायण पनिकर के नाटकों के साथ अपना थिएटर की शुरुआत की थी और वह तमिल फिल्मों और मलयालम फिल्मों में काम करते थे। तो मलयाली और तमिल फिल्मों में काम करते थे। नेदुमुडी वेनु का निधन हुआ है, ये आपके एक्टिंग से संबंधित हैं, ना आपके तमिल और मलयाली फिल्म्स में काम करते थे और साथ ही साथ इन्होंने 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन हैं आपके श्री राजेश बिंदल, रंजीत मोर, सतीश चंद्र शर्मा जी या फिर श्री प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसका जवाब है हमारा राजेश बिंदल। राजेश बिंदल जी मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के। कल ही बहुत सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का नियुक्ति हुई है, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। तो 5 मुख्य न्यायाधीशों को तबादला कर दिया गया। ए कुरैशी को राजस्थान का मुख्य न्यायालय न्यायाधीश बना दिया गया है जो कि पहले त्रिपुरा के थे। इंद्रजीत महांती जी को त्रिपुरा का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है जो कि पहले राजस्थान के, तो राजस्थान वाले त्रिपुरा गए, त्रिपुरा वाले राजस्थान गए। तो ए कुरैशी हो गए राजस्थान के और इंद्रजीत महांती हो गए त्रिपुरा के। मोहम्मद रफीक जी को हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से के मुख्य थे और ये हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमंदर को सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ए कुरैशी को राजस्थान का, इंद्रजीत मोहंती को त्रिपुरा का, मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश का, विश्वनाथ सोमंदर को सिक्किम का और
एके गोस्वामी को छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय का मुख्याधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के थे बट उन्हें एके गोस्वामी को छत्तीसगढ़ का नियुक्त कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को अब उत्तर प्रदेश का बना दिया गया। अलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राजेश बिंदल हो गए और मेघालय उच्च न्यायाधीश हो गए रंजीत वी मोरे। ठीक, तेलंगाना के हो गए शशि सतीश चंद्र शर्मा जी और प्रकाश श्रीवास्तव हो गए कोलकाता के। ठीक है, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश की नई पोस्टिंग्स हैं। इसके अलावा आर वी मलिमठ हो गए मध्य प्रदेश के, ऋतुराज अवस्थी हो गए कर्नाटक के और अरविंद कुमार हो गए गुजरात के, प्रशांत कुमार मिश्रा हो गए आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये नाम आवश्यक हैं, अक्सर एग्जाम में मुख्य न्यायाधीश के नाम पूछे जाते हैं। इसके लिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट्स और कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि ये आपको एक बार में याद नहीं होंगे, दो तीन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे इन सारे मुख्य न्यायाधीशों के नाम। अगला सवाल है, विच स्टेट्स कन्याकुमारी क्लोव हैज गॉट द जीआई टैग, किस राज्य की कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो जीआई टैग मिला है हाल में ही किसकी, तमिलनाडु की कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग मिला है आपका। और तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है इसे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगरेटिव पैटर्न क्लोथ, तमिलनाडु की राजधानी है हमारी चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम है आर एन रवि और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, इसके अलावा केरल का नाम हमने लिया था, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु की बात हमने पहले ही कर ली। कर्नाटका के सीएम हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, इसके अलावा ये एक फैक्ट है कि सीबीआई के एसबीआई के फॉर्मर चीफ जो थे, फॉर्मर चीफ ऑफ एसबीआई, एसबीआई के जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, जिनका नाम था श्री रजनीश कुमार, उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मोमायर। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार ने अपना संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मोमायर शीर्षक से जारी किया है। किताब का प्रकाशन पेंगुइन पब्लिकेशन ने किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा था द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मोमायर के राइटर कौन है, तो श्री रजनीश कुमार जी हैं, जो कि एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इफको के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, इफको के फॉर्मर चेयरमैन कौन थे। ऑप्शंस हैं बलविंदर सिंह नकई, बी गोपाल, रजनीश कुमार या इंद्रजीत मोहंती। तो इसका आंसर हो जाएगा बलविंदर सिंह नकई। बलविंदर सिंह नकई जो हैं वो इफको के चेयरमैन थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया, 11 अक्टूबर को जिनका निधन हो गया। इफको क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे, उनके दो कार्यालयों के लिए इफको के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो अभी वहां के नए चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे, बट बलविंदर सिंह नकई जो एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी, बलविंदर सिंह नकई जो कि इफको के चेयरमैन थे, उन्हें उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दोबारा से गलत लिख गया यहाँ पर। ठीक, चलिए तो ये याद रखेंगे, इफको के चेयरमैन बलविंदर सिंह नकई, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो भी फॉर्मर चेयरमैन हो गए हैं इफको के। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेट्स इन मालाबार एक्सरसाइज, इनमें से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में भाग लेता है। ठीक है, इसके ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये सारे चीफ जस्टिस हैं आपके, आप पीछे पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं कौन कहाँ का चीफ जस्टिस है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में भाग लेता है। ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, चाइना या फिर म्यांमार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जापान। जापान जो है मालाबार अभ्यास में पार्टिसिपेट करता है। मालाबार अभ्यास का दूसरा लेग चालू हुआ है, पहला लेग अगस्त में हो गया था, दूसरा फेज चालू हुआ है, जो कि कहाँ पर हो रहा है, इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान बिगिन सेकेंड फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑन अक्टूबर 12। ये कहाँ पर होती है, गुआम, यहाँ पर होती है, जो कि यूएस की टेरिटरी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आपके पूर्व में पड़ती है। फोर क्वाड कंट्रीज जो कि भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 12 अक्टूबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। यह अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये क्वाड नेशंस हैं, चार नेशन हैं जो जिन्हें क्वाड नेशंस भी कहा जाता है, जो कि कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान।
जो कि 2007 में बना था। इसका आइडिया जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने दिया था। इट इज ऑफन डब्ड एज एन एशियान और मिनी नॉर्थ अटलांटिक नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसे मिनी एशियन या फिर नॉन एशियन या फिर मिनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, और इसे चाइना के मिलिट्री ऑपरेशन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब मालाबार तट कहाँ है, तो ये भारत का, अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये कच्छ का तट है, ये काठियावाड़ है, ये आपका गुजरात प्लेन्स है, ये आपका कोंकण कोस्ट है, कोकण तट जिसे कहते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, ये केरल है आपका, इसे मालाबार तट कहते हैं यहाँ पर, और ये आपका केप कैप्रिकॉन है, केप कैमोरिन है, और ये कोरोमंडल तट है, नॉर्दर्न सिरकार्स है, और ये उत्कल प्लेन्स है। तो ये ध्यान रखेंगे मालाबार तट कहाँ पर है, केरल के तट पे मालाबार तट आपका पड़ता है। अगला सवाल है, पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शंस हैं अमित खरे, रंजीत मोरे, सतीश चंद्र शर्मा या फिर प्रकाश श्रीवास्तव। तो आंसर इस सवाल का हो जाएगा अमित खरे जी को पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं ये चीफ जस्टिस हैं, आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में दिए गए हैं। अमित खरे जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं एचआरडी के और आईबी यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एचआरडी मिनिस्टर और आईबी मिनिस्टर का नाम बताएंगे। ठीक है, ऑन अक्टूबर 12 हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। खरे इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 1985 बैच, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा कुछ हमारे फैक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर हो गए हैं अलेक्जेंडर शैलनबर्ग जो हैं वो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पूर्व चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज को भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए अलेक्जेंडर शैलनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन ने चांसलर के रूप में अलेक्जेंडर शैलनबर्ग को शपथ दिलाई, वो ऑस्ट्रिया के पूर्व विदेश मंत्री थे। ऑस्ट्रिया कहां पर है, यहां पर है आपका मैप में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा चीफ ऑफ यूएस नेवल एडमिरल माइक गिल्डे भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेरिकी नौसेना प्रमुख का नाम अगर पूछा जाता है तो आप ध्यान रख सकते हैं एडमिरल माइक गिल्डे जो हैं चीफ ऑफ यूएस नेवल हैं। आप भारत के चीफ ऑफ नेवी बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको कल ही पढ़ाए थे वो। ठीक है, अगला सवाल है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ऑप्शंस हैं अमित खरे, राजीव कुमार, अश्विनी वैष्णव या फिर अमिताभ कांत। तो आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अमित खरे को पीएम मोदी का एडवाइजर बनाया गया है, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री का नाम, यानी कि आपसे पूछा जाए तो क्या है आपका, अश्विनी वैष्णव। अमिताभ कांत सीईओ हैं नीति आयोग के, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और इसके चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन लॉन्चेस नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक, इन्होंने लॉन्च करी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में कोई हैंडबुक इन्होंने लॉन्च करी है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नीति आयोग यूएनडीपी पुस्तिका को लॉन्च किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये करंट अफेयर था आज का। अगला सवाल है, पीएम वाणी स्कीम किससे संबंधित है। ऑप्शन है मन की बात, आरटीआई, कोरोना या फिर वाईफाई। तो जवाब है इसका वाईफाई। पीएम वाणी स्कीम जो है ये वाईफाई स्कीम है, जिसमें पीएम वाणी जो है आपका वाईफाई स्कीम है, डिजिटल पढ़ाई के साथ में कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स डेवलप किए जाएंगे देश में। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 10 अक्टूबर 2020 को कुरनूल जिले के उलायवाड़ा गांव में पहले प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार केंद्र सरकार ने 2022 तक लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पीएम वाणी योजना इसकी सुविधा प्रदान करेगी। तो देश में जगह जगह पर हॉटस्पॉट्स वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, तो पीएम वाणी जो स्कीम है उसी से रिलेटेड है। पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी दुनिया का सबसे कम उम्र में ओडीआई में सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी है, यानी कि इनमें से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड्स यंगेस्ट ओडीआई सेंचुरियन बन गया, यानी कि कौन सा क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाई है। ऑप्शंस हैं शाहिद अफरीदी, मिथाली राज, एमी हंटर या फिर सचिन तेंदुलकर। तो शाहिद अफरीदी मेंस क्रिकेट की अगर आप बात करोगे सिर्फ, तो शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने 17 साल कुछ दिनों में लगाई है, ये सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात करेंगे तब ऐसा है। मिथाली राज ने, अगर आप भारतीय की बात करो तो मिथाली राज हो गया है, क्योंकि पहले एमी हंटर का जवाब है इसका, एमी हंटर से पहले मिथाली राज ने ही सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाई थी, वो भी अगेंस्ट आयरलैंड ही लगाई थी, और एमी हंटर जो कि आयरलैंड की हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में 16 साल की जो भी हुई हैं तो इन्होंने सबसे सेंचुरी लगा दी, और ये अभी स्कूल ही जाती हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर आंसर नहीं है, तो आंसर इस सवाल का हो जाता है एमी हंटर। एमी हंटर ने सोमवार को अपने 16वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर बॉम्बे के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा, बॉम्बे लिखा हुआ है सिर्फ, ये जिम्बाब्वे है यहाँ पर, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतने के लिए नाबाद 121 रनों की पारी खेलकर एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर मिताली राज के पास था। तो भारतीय क्रिकेटर मिताली राज वुमेन में हो गई, और दुनिया में अगर मेंस क्रिकेट की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी हैं और एमी हंटर ने दुनिया में सबसे यंगेस्ट ओडीआई सेंचुरियन हो गई हैं वो, ठीक है। इसके अलावा ये और करंट अफेयर्स आप याद रख सकते हैं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला है, एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। इसके अलावा ये एक और करंट अफेयर है, एडिशनल करंट अफेयर है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम स्कीम लॉन्च की है। तो मेरा घर मेरा नाम स्कीम किसने लॉन्च की है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में जितने करंट अफेयर्स बताएं आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई सुझाव या सब आपको कुछ कहना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299117042। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।